नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। आज है 7 फरवरी, टाइम है 3:30 जो आप देख सकते हैं यहां पर। एनीवे, ये व्यू है 8 फरवरी 2023 के लिए और कल है वेनिसडे, आज है ट्यूसडे। चलो देखते हैं मार्किंग करने के एनालिसिस कैसे हुआ। यहां पर 3 घंटे का चार्ट है। मैं 3 घंटे का यार इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी डेटा मिल जाता है। मार्केट यहाँ पर ट्रैप जोन पर है, ये जोन जो मैंने मार्क किए ट्रैप जोन है, इसके पीछे ट्रेड करता है। हमने कल बताया था कि शायद यहाँ पर एक डाउन मूव मिलेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर एक डाउन मूव मिलेगा, फिर एक ब्रेकआउट मिलेगा, बस पॉसिबली वैसा ही हो रहा है। तो आज हम डाउन मूव का एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो मिला है। हो सकता है और डाउन मूव मिले, कहाँ तक मिलेगा मैं मार्क कर सकता हूँ, ये जोन तक मिल सकता है। मैं नहीं बोलता ऐसा होगा, क्वाइट पॉसिबल यहाँ तक मिले, फिर ऐसा ऊपर जा सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये ट्रैप जोन पर निफ्टी है और जो लंबा बढ़िया बार देख रहे हैं आप, ये है बजट डे बार, अब तक उसके अंदर ही है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, निफ्टी बैंक करें तो ये देख लेते हैं यहाँ पर, इसको पहले हटा के रख दूँ यहाँ पर। या निफ्टी बैंक देखें तो उसका भी हम ट्रैप जोन निकाल देते हैं। निफ्टी यहाँ पर ट्रैप जोन में फंसा हुआ है, ये जोन है, इसका मैं लेवल्स भी मार्क कर लेता हूँ। अपर रीजन से 41,500, लोअर जेवन से करीब 40,100। तो ट्रैप जोन है 41,500, नहीं ये तो चेंज इंटरवल आ गया, गलती से हो गया, क्या हो गया, आउट एस्केप यहाँ पर लगाऊँ, कहाँ गया, यहाँ पर आएगा टी टेक्स्ट 41,500, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। हाँ, इसको किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि हमको ये जो लेवल्स हैं क्लियर जड़े बड़े चाहिए, ये 41,500, नीचे लेवल है 40,100, वो भी लिख देता हूँ 40,100। तो 40,100 और 40,000 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं। ये जोन से ट्रैप जोन, निफ्टी का ट्रैप जोन मार्क कर लें तो ट्रैप जोन है 17,850, तो 17,900 लिख देता हूँ, 17,900 लिख देता हूँ, 17,900, ये 17,900 लिख दिया। ये ट्रैप जोन के ये पैरामीटर्स हैं, हाई लो पैरामीटर। और नीचे जो जोन है कहाँ पर है, ये 17,500, मैं 17,500 करता हूँ, 17,600 है लेकिन मैं 17,500 कर देता हूँ। उसका रीज़न है 17,500 एक राउंड फिगर है, और ये जो नीचे देखिए मैंने गलत मार्क किया हुआ है, ये 17,500, बस इतना है, ये ट्रैप जोन है। मार्केट क्या लगता है, मार्केट 2-3 चीज़ कर सकता है। अब तक ट्रैप जोन में नीचे आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो फंसेगा 17,900 में निफ्टी, नीचे आएगा तो सपोर्ट मिलेगा 17,500 और 17,600 में। क्या करेगा मार्केट हमको पता नहीं, मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। अब तो अमेरिकन मार्केट खुले भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं हुए, SGX में भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का देखें क्या हाल है, बैंक निफ्टी का जो अपर रीजन 41,500 उधर दिया हुआ है क्लोज, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आती है मुझे। पॉसिबल जब ऊपर लेवल पे बंद दिया तो पॉसिबल है कि कप मूव मिले, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ अटकेगा, अटकेगा यहाँ पर, वो है 42,000 पर, मैं वो लिख देता हूँ, ये ज़रूरी है। अगर ऊपर जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो 42,000 के आसपास अटकने का चांस है क्योंकि अपर रेंज में क्लोज दिया है। यहाँ पर कहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस वहीं पर है। अब हम देखेंगे इसको ट्रेड कैसे करें। चलो पहले निफ्टी बता दें कि निफ्टी कैसे ट्रेड करें। निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो पॉसिबल है कि लोअर डिप मिले, लेकिन लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मिलना चाहिए 17,500 के आसपास। अगर गैप डाउन खुलता है तो पॉसिबिलिटी है कि अप मूव मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी 17,900 तक जा सकता है, यस एक पॉसिबिलिटी है। अगर निफ्टी 17,900 जाएगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर जाएगा, वो जाएगा करीब 42,000 के आसपास। तो हमको ध्यान में देना चाहिए दो पैरामीटर्स, एक तो निफ्टी का 17,900 कंपेरेबल टू बैंक निफ्टी ऑफ 42,000, वहाँ पर रेसिस्टेंस है। रिपीट करता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, जब तक तो लिखूंगा नहीं आप लोग याद नहीं, निफ्टी 17,900 और बैंक निफ्टी 42,000, ये रेसिस्टेंस है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। अगर वहीं पर काम खुलता है तो
तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी पॉसिबल। तो गैप अप अगर खुलता है 17,900 के आसपास और 42,000 के आसपास तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी। अब क्या होगा मार्केट हमको पता नहीं, लेकिन एक बात है ये नीचे आया फिर एक ऊपर गया, बड़ा बार बना ट्रैप जोन के अंदर, फिर एक अपू मिला है, फिर नीचे आया, आज कवर किया है, बहुत रिकवरी किया है बैंक निफ्टी ने। तो अगर बैंक निफ्टी करीब 41,500 के ऊपर ट्रेड खुलता है तो 42,000 पॉसिबल है, जो कि 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। पॉसिबल है कि निफ्टी भी थोड़ा अपू मिले लेकिन अटकेगा 17,900 में। 18,000 तो नेचुरली वो तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहला 17,900 की बात करते हैं। मेरे माइंड में क्वाइट क्लियर है निफ्टी में ट्रेड शायद एक ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड, बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हमको क्या करना है, हम भी वही करेंगे जो हमको करना है। हाँ मैं बताना भूल गया, रोज एक ट्रेडर को मैं 50% डिस्काउंट देता हूँ निफ्टी इंडेक्स सर्विस में, उसका है कूपन कोड ONE और लिंक है पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज ट्रेड अच्छा दिन था, इतना बता सकता हूँ, अच्छा था। वॉलेटिलिटी बहुत थी और वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है। एक बात ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीख कर आते हैं तो नुकसान होगा, गारंटी 100%, क्योंकि साइकिल चलना भी सीखना पड़ता है। और ध्यान दीजिए, भाव भगवान है,